अपने साथ रखनी है, साथ रखनी है ना। कंडक्टर को भी उस्ताद जी करके, उस्ताद जी सीटें हैं तब इतनी इज्जत थी तो वो इज्जत क्यों डाउन होगी, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, हो सकता है अठन्नी के लिए लड़ाई शुरू कर दी आपने, छोटी सी चीज होती है अठन्नी, नहीं पड़ी है तो दूसरी बार। इस यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइवर ऐसे भी देखे हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं ना, जो एक दिन किराया नहीं लेते हैं और तीन दिन किराया, तीन दिन के बाद इकट्ठा ही ले लेते हैं, वो भी सिस्टम रिलेशन। उन लोगों ने क्या किया, ड्राइवर कंडक्टर ने क्या किया, लोगों के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, रिलेशन बने हुए ना। आप लोगों के साथ भी है, मैं देखा यहाँ पे भी कठुआ में मैंने देखा, बंदों के पास नंबर पड़े हुए ऑटो वालों के, फोन करते हैं कहीं पे जाना हो मेरी मदर को लेके जा, बंदा घर दुकान पे बैठा है वो ऑटो वाला ही मदर को चेक करा के घर में छोड़ रहा है, रिलेशन है ना। तो जो आपका काम है ना, आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ रिलेशन वाला काम है, अपने आपको आपकी सबकी आ रही है ना। उसमें कुछ लोगों ने की अवेल करी स्कीम, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास डिफरेंट डिफरेंट 5 लाख तक की गाड़ी है, गवर्नमेंट ने वो आप लोगों के लिए स्कीम है, जिनकी गाड़ियां पुरानी हो गई है वो उसमें 10% गवर्नमेंट देती है। तो मैं आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग और उसकी फर्स्ट एड कर दें, पहुंचा दे एक घंटे के अंदर किसी ने उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, जो फर्स्ट एड दे दी तो उसके जो बचने के चांस है 90% बढ़ जाते हैं। तो आपके साथ ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों की ये जो फर्स्ट एड नहीं जाते हो, चाहते हो आवाज में आए ना, आए ना चाहते हो आप 15-14 बड़े एक साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उसमें हम 15 बारी पंप करते हैं, 15:2, 15 बारी पंप करने के बाद 2 बारी मुंह में सांस डालनी है, नाक बंद कर रखनी है, मुंह खुला रखना है और मुंह के आने आपने सांस अपनी छोड़नी है। ठीक है, 15 बारी पंप करना है एक साल से ऊपर सबका, एक साल से नीचे कोई बच्चा आता है तो आपने 5 बारी पंप करना है और 1 बारी सांस आपने अंदर छोड़नी है। तो ये कोशिश करनी है, मैं 1 मिनट आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, अगर कोई मेरा 2 मिनट माइक पढ़ ले। हाथ रखा और इस हाथ से आपने ऐसे 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 पंप करना है और ऐसे करके मुंह में नाक ये बंद रखनी है, मुंह में आपने ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, थैंक यू। सेफ्टी इंजीनियर हूँ, सेफ्टी इंचार्ज मेगा इंजीनियरिंग के तरफ से NHI का हम लोग 6 लेन का काम कर रहे हैं, तो उसके तरफ से मैं अपना पूरा सेफ्टी की तरफ से मैं सेफ्टी देख रहा हूँ अपनी टीम को लेके। तो मैं आज यहाँ मौजूद हुआ हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स के बारे में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हर साल 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तहत में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चेयरमैन भी है, उनका वेलकम करता हूं रोड सेफ्टी वीक में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोड सेफ्टी वीक जो 1989 में जो स्टार्ट हुआ था और आज 11 जनवरी से 17 जनवरी तक ये जो पखवाड़ा है ये चल रहा है और ये 34th नेशनल रोड सेफ्टी वीक है और इसमें एक स्वच्छता पखवाड़ा है, इसके तहत ये रोड सेफ्टी वीक जो है वो मनाया जा रहा है और इसका थीम इस बार ये रखा गया, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 11 जनवरी से 17 जनवरी तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं और अवेयरनेस कैंप्स लगाए, एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई हैं और ड्राइवर लोगों को जिनको हम पायलट भी कहते हैं इनको अवेयर किया है मोटर व्हीकल रूल्स के बारे में और रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में और डिफरेंट फिटनेस कैंप्स जो मेडिकल फिटनेस कैंप्स जो लगाए हैं और आई चेकअप लगाया है, अवेयरनेस रिगार्डिंग मोटर व्हीकल रूल्स और सेफ्टी एक्ट लगाए। आज हमने यहाँ पे भी एक आई विटनेस और फिटनेस कैंप लगाया है, जो हमारे पायलट लोग हैं यहाँ पे आके वो आई चेकअप करवा रहे हैं और जिनकी करेक्टनेस की जो कमी है वो डॉक्टर साहब उनको बता रहे हैं कि आपको कौन सा नंबर लाके आपकी जो आई साइट जो करेक्ट होगी और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी उनको बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 1% है और इसमें बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट फैटलिटीज़ होती हैं उसका 10% जो है वो भारत में होता है, तो इसको हम ज़ीरो पे तो नहीं पर इसको मिनिमाइज हम ज़रूर कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग मोटर व्हीकल रूल्स और रोड सेफ्टी रूल्स।
तो इसमें रोड सेफ्टी रूल्स में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे जो पायलट लोग हैं घर से निकलते हैं तो इनके साथ इनकी फैमिली भी की जुड़ी होती है और जो आम पब्लिक है उनकी लाइफ भी जुड़ी होती है। जब भी कोई पैसेंजर गाड़ी में बैठता है इनके ऊपर भरोसा करके बैठता है और इनकी छोटी सी गलती से इनके परिवार को भी कुछ खमियाजा भुगतना पड़ता है और जो पैसेंजर लोग हैं उनको भी काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए इनको सबसे पहले इन रोड सेफ्टी रूल्स और मोटर व्हीकल रूल्स के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए जो हम रेगुलरली इनको देते रहते हैं और स्पेशली जो अभी पखवाड़ा चल रहा है इसमें हमने काफ़ी कैंप्स लगाए हैं उनको जानकारी भी दी है। डेंजरस ड्राइविंग ना करें। डेंजरस ड्राइविंग से एक तो जो कम्यूटर्स हैं जो पेडेस्ट्रियन हैं इनको नुकसान होता है और जब भी ये निकलते हैं तो कई बार देखा गया है कि ड्रग विद ड्राइविंग जो मिक्स हो जाती है तो उससे एक्सीडेंट होने का काफ़ी खतरा रहता है तो ये अवॉइड करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो मोबाइल फ़ोन जो हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और जब कार्यक्रम करने के लिए आपको बधाई और आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो जैसा कि जीवन में बाकी अन्य चीज़ों के साथ होता है जो भी चीज़ हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती है जो भी हमारी आज के समय में सड़क या जो आवागमन है वो एक मूलभूत सुविधा है और जब हम किसी भी मूलभूत सुविधा की बात करते हैं तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तरफ हमारे अधिकार और दूसरी तरफ हमारे कर्तव्य। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के रूप में हमारी ये अपेक्षा होती है कि जिन सड़कों पर हम ट्रेवल कर रहे हों उन पे यथासंभव सुरक्षा के जो भी उपकरण सुरक्षा के जो भी उपाय हैं वो उपाय किए जाएं, सड़कों की स्थिति बेहतर हो जो कि विभाग का दायित्व होता है। और जैसा कि अभी आरटीओ साहब ने आपको बताया मैं भी आप लोग को बताना चाहूँगा क्योंकि कठुआ ज़िले के संदर्भ में ये खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ज़िले में NH होने के कारण जो है वो खत्म हो चुका है और इसके बावजूद आपका किस तरह से संदेश रहेगा लोगों को? जैसा कि आप जानते हैं विशेषकर सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है हमारे ज़िले को लेकर विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा भी चर्चा हुई पिछले एक सप्ताह से एक तो प्रयास ये था कि जागरूकता फैलाई जा सके, जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जो सावधानियां रखनी होती हैं उनके बारे में लोगों को साथ ही साथ चालकों को सूचित किया जा सके जागरूक किया जा सके तो वो एक प्रयास था और जो बचे हुए कमियां हैं जो भी उनको दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर किस तरह से देखते हैं लगातार जो है एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं इन लोगों को किस तरह का अवेयरनेस चाहिए या विभाग की ओर से? सर जैसे मैंने कहा कि सड़क पे दुर्घटना ना हो उसमें दो चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक तो व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और जिस गाड़ी में वो चल रहा है वो ठीक है सब कुछ सुरक्षित है सही स्थिति में है वो ध्यान रखना ज़रूरी है, हमको बेसिक जो ट्रैफिक के नियम है उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, वहीं साथ ही साथ जो उपाय हो सकते हैं सड़क पे वो भी संबंधित विभाग द्वारा कराए जाने आवश्यक है। तो हमारा प्रयास यही है कि दोनों चीज़ों पे काम किया जाए ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं की संख्या कम की जा सके। बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में आज कंक्लूड हुआ है सड़क सुरक्षा जो कि ये अभियान चलाया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक ये हर साल चलाया जाता है। इसका मेन मतलब यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जितने भी हमारे जो भी मेन की भाई क्या जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अभी डीसी साहब आए थे डीसी साहब ने हमें यही बताया कि जो भी यहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कवर हो जाएंगे, सत्ता चक से लेके चढ़वाल तक सारे के सारे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कवर हो जाएंगे, बाकी जो रेस्ट हैं जैसे हमारा कालीबड़ी है और हटली मोड है ये सब कवर हो जाएगा ब्लैक स्पॉट्स में और उस सब में भी जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो लेस हो जाएंगे। और जो हमारा 11 से लेकर 17 जनवरी तक कैंप चला लखनपुर टोल प्लाजा में हेल्थ कम आई कैंप चलता रहा, उसके अलावा हमने लोगों को अवेयर करा, स्पीड लिमिट्स के बारे में बताया, साइनेज के बारे में बताया कि भाई अपनी हेलमेट्स पहनो सीट बेल्ट लगाओ जितना जितना उनको सेफ्टी हो सकती है उतना करो क्योंकि जितनी आप अपनी सेफ्टी करोगे उतनी आप दूसरों की सेफ्टी होगी। और एट लास्ट फाइनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो करो और सेफ्टी फॉलो करोगे तो दूसरों को भी सेफ रखोगे।